नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन। गोरखपुर महोत्सव के सफल आयोजन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वासियों का जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति पर्व पर प्रदेश देशवासियों को दी शुभकामनाएं। लोकायन और लेक व्यू का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर महोत्सव में पर्यटन विभाग लखनऊ से संचालित पैरा मोटर ग्लाइडिंग को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। विभिन्न मांग को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर एसोसिएशन के सदस्यों ने किया विरोध प्रदर्शन। एसडीएम के समझाने पर रैली को किया कैंसिल। गोरखपुर महोत्सव के आखिरी दिन भी सजा रहा स्टेज, हुए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम। और गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत आयोजित हुआ डॉग शो। अब समाचार विस्तार से। 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का शनिवार को समापन हो गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यमंत्री उपेंद्र तिवारी, मनोहर लाल, सांसद जगदम्बिका पाल, रीता बहुगुणा जोशी, महापौर सीताराम जायसवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक कैंपियरगंज फतेह बहादुर सिंह, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, सैजनवा विधायक शीतल पांडे, बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, पर्यटन एवं सूचना प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। समापन अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोत्सव के सफल होने पर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये महोत्सव व्यापारी समाज, प्रशासनिक और आम जनता के पूर्ण सहयोग से सफल हुआ है, जिसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुस्तक का लोकार्पण करने के बाद समाज के विभिन्न क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्य करने वाले 21 लोगों को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर रीता बहुगुणा जोशी, प्रमुख सचिव सूचना अवनीश अवस्थी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य गणमान्य लोगों ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। माननीय विधायक शहर, स्वागत वंदन अभिनंदन। श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक ग्रामीण, स्वागत वंदन अभिनंदन। श्री विमलेश पासवान जी, माननीय विधायक, स्वागत अभिनंदन। माननीय सांसद कमलेश पासवान जी, स्वागत। श्री शरद मणि त्रिपाठी जी, स्वागत। श्री शीतल पांडे जी, माननीय सांसद सैजनवा, स्वागत। श्री महेंद्र पाल जी, माननीय विधायक पिपराई, स्वागत। श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, MLC, स्वागत। श्री उपेंद्र शुक्ल जी, स्वागत। श्री जनार्दन तिवारी जी, भाजपा जिलाध्यक्ष, स्वागत। श्री राहुल श्रीवास्तव जी, स्वागत है। श्री कामेश्वर सिंह जी, श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, प्रमुख सचिव सूचना पर्यटन धर्माधिकार, स्वागत वंदन अभिनंदन। मंडलायुक्त महोदय और अध्यक्ष महोत्सव समिति श्री माननीय मुख्यमंत्री जी से की कृपया दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। श्री देश दीपक वर्मा जी, महासचिव राज्यसभा, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित सांसदगण, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित विधायकगण, प्रमुख सचिव सूचना पर्यटन श्री अवनीश अवस्थी जी, DIG साहब, महोत्सव समिति के सभी पदाधिकारीगण, सर्वप्रथम में और कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, प्रेस के साथियों, और आज जो कार्यक्रम में उपस्थित जो हमारे महानुभाव सम्मानित हो रहे हैं,
आप सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि वो आज समापन कार्यक्रम में यहां पधारे और हम सबको सम्मानित एवं गौरवान्वित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम जैसा आप जानते हैं कि 11 से 13 चल रहा था और 11 तारीख को महामहिम जी के आशीर्वचनों के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी समापन कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। ये धरती महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की एवं भगवान बुद्ध जी की पवित्र भूमि है। यहाँ पर कला, संस्कृति, अध्यात्म एवं खेलोत्सव के इस महासंगम गोरखपुर महोत्सव 2018 का शुभारंभ 11 तारीख को हुआ था। इसमें कई कार्यक्रम थे और इसमें संस्कृति से अध्यात्म से संबंधित कई कार्यक्रम थे और आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ है, समापन है, माफ कीजिएगा, समापन है। कार्यक्रम में उपस्थित श्री रीता भगवान जोशी का भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पर्यटन विभाग से हमें लगातार निर्देश एवं मार्गदर्शन मिल रहा था तो मैं उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। श्री अवनीश अवस्थी जी प्रमुख सचिव सूचना, उनका भी कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में 22 महानुभावों को हम सम्मानित कर रहे हैं और उनसे हमने अनुरोध किया था कि वह कार्यक्रम में आए, समापन कार्यक्रम में। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से उनका सम्मान होगा, उनका भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों का, माननीय जनप्रतिनिधियों का भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। गोरखपुर जो आदिकाल से अध्यात्म, संस्कृति एवं कला का केंद्र रहा है, यहाँ पे अनेक विभूतियों ने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि महानगर में स्थापित गीता प्रेस अपनी पौराणिक धार्मिक ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए भी प्रसिद्ध रही है। नाथ संप्रदाय के महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की ये तपोस्थली रही है, वहीं दूसरी ओर तथागत भगवान बुद्ध का जन्म इस जनपद के सटे कपिल वस्तु में होने तथा महापरिनिर्वाण कुशीनगर में होने के कारण ये जनपद बुद्धिस्ट सेक्टर के रूप में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त किया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इस जनपद का नाम सरल अक्षरों में अंकित किया गया है। शहीद स्थल चौरी चौरा एवं शहीद बंधु सिंह की कुर्बानी ने गोरखपुर के शहीदों को अमर किया है। इस जनपद की खूबियों तथा यहाँ के ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराने तथा पर्यटकों को अपनी ओर से आकर्षित कराने के लिए गोरखपुर महोत्सव 2018 का आयोजन किया गया है तथा ये श्रृंखला अब अनवरत चलेगी, इसके लिए हम सभी कृत संकल्पित हैं। इस महोत्सव में बड़ी संख्या में विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा अत्यंत परिश्रम करके अपने अपने कार्यक्रम तैयार किए गए हैं एवं प्रतियोगिताएं में प्रतिभाग किया गया। महोत्सव में पहली बार शूटिंग प्रतियोगिता, हाफ मैराथन, पैरा मोटरिंग, योगा आदि का आयोजन किया गया। महोत्सव में देश एवं प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों से आए शिल्पकारों तथा के द्वारा अपनी कला एवं प्रोडक्ट्स का परिचय दिया गया। बुक फेयर, साइंस फेयर, छोटे बच्चों के लिए बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान NDRF की टीम द्वारा अपने बचाव कार्य का प्रदर्शन किया गया। कृषि प्रदर्शनी, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी एवं नाथ पंथ से जुड़े महायोगियों की प्रदर्शनी का आयोजन इस कार्यक्रम में किया गया। के लिए स्मारिका, इसका नाम हमने अभ्युदय रखा है, इसका विमोचन भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बहुत मेहनत की गई, लेकिन इसमें कुछ महानुभाव ऐसे हैं, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने इसमें बहुत योगदान दिया गया। मैं सबसे पहले जिनका नाम लेना चाहूँगा, जिस टीम का नाम लेना चाहूँगा, उसमें मैं प्रोफेसर राजवंत राव, प्रोफेसर अजय शुक्ला जी एवं डॉक्टर प्रदीप राव जी का नाम लेना चाहूँगा और उनके साथ उनकी टीम में शामिल रजिस्ट्रार DDU श्री चंद्रोहन वैश्य जी का नाम लेना चाहूँगा। उन्होंने ना सिर्फ स्मारिका और मंथन पत्रिका में अपना योगदान दिया, लेकिन जब भी उनको जो भी हमने जिम्मेदारी दी उसमें उन्होंने हमेशा आश्वासन दिया कि साहब ये कार्यक्रम और ये कार्य हम समय से पूरा करेंगे, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इस कार्यक्रम में हमारे जो मुख्य स्पॉन्सर है मिस्टर अमर तुलसियान, मिस्टर अब्दुल सराफ,
उन्होंने भी अपना योगदान दिया, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही साथ जो हमारे तीन और मुख्य स्पॉन्सर हैं, गैलेंट इस्पात, उनके श्री सी पी अग्रवाल और LIC और HURL, ये दो कंपनियों ने भी अपना योगदान दिया, उनको भी मैं उनके प्रबंधक को उनके मैनेजमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पर्यटन मंत्री जी, माननीय मंत्री श्री मनोलाल कोरी साहब, यहाँ बैठे हुए सांसद जी, सभी सांसदगण, यहाँ बैठे हुए सभी माननीय विधायकगण, यहाँ बैठे हुए सभी हमारे 22 हमारे सभी सम्मानित होने वाले हमारे गोरखपुर और गोरखपुर क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ, हमारे जो आज विभूतियों को जिनको आज सम्मान दिया जा रहा है, हमारे अपने देश दीपक वर्मा साहब, और यहाँ आए हुए सभी गोरखपुर वासी, यहाँ पर आए हुए हमारे सभी स्पॉन्सर, यहाँ आए हुए सभी मीडिया, हमारे आए हुए सभी बच्चे, यहाँ आए हमारे टूरिज्म के सभी साथी, हमारे कमिश्नर साहब, DM साहब, RTO, उनके पूरे टीम, यहाँ पुलिस के DIG साहब, उनकी पूरी टीम और साथी। मैं केवल इस अवसर पर, अनिल ने बहुत विस्तृत रूप से बिंदु रखे हैं, मैं केवल टूरिज्म विभाग की ओर से, अपने माननीय मंत्री जी की ओर से ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम अपनी नई टूरिज्म पॉलिसी बहुत जल्दी जो है लाने वाले हैं। हमारा लक्ष्य है कि टूरिज्म के माध्यम से पूरे प्रदेश में रोजगार हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी अक्सर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये निर्देश हमें देते हैं कि जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारे हमारे पूरे धर्म स्थल है, जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जो हमारा एक एक कोना, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे वो सोनभद्र हो, चाहे वो कुशीनगर का कोना हो, चाहे वो पश्चिम में जो है हम सहारनपुर और वहाँ की जो है देवी जो है वहाँ तक जाना पड़े, हम कहीं भी जाएं, हमारे पास इतनी धरोहर है कि इसको अगर हम बचाएं, संजोएं, सुधारें, संवारें, तो हम इसको आगे ले जा सकते हैं। टूरिज्म पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश में हमारा लक्ष्य, मैं बताना चाहूँगा, 10 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करने का है। ये बहुत ही चैलेंजिंग लक्ष्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, मंत्री जी का मार्गदर्शन हमें मिलेगा, हम पूरे प्रदेश में इस पूरे लक्ष्य को पूरा करेंगे। आज बहुत छोटा सा एक उदाहरण देना चाहेंगे, अभी कुछ बच्चों को हम लोग जो है पैराग्लाइडिंग का पैरा मोटरिंग में ले जा रहे हैं। अगर पूरे प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स ही जगह जगह शुरू हो जाए तो वहाँ स्थानीय लड़कों को रोजगार मिल सकता है, लोगों को आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं पुनः इस अवसर पर गोरखपुर महोत्सव की आयोजन समिति, यहाँ जितने शिल्पकार आए, जितने लोग बुक स्टॉल्स पर आए, जितने यहाँ हमारे साथी लोगों ने आज इस मेले को सजाने में अपना योगदान दिया है, जितने कलाकारों ने योगदान दिया है, पुनः सबको बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार, यहाँ आए हुए सभी मंत्रीगणों का आभार। यहाँ गोरखपुर महोत्सव के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ओजस्वी एक अवसर पर उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री और आप सबके आराध्य भी और आप सबके बहुत ही लोकप्रिय वर्षों से दशकों से सांसद और अब विधायक और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे इस मंच पर उपस्थित हमारे दो स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री आदरणीय मुन्नीलाल कोरी जी, उपेंद्र तिवारी जी, सांसदगढ़ जगदम्बिका पाल जी, सांसद आदरणीय श्री कमलेश पासवान जी, यहाँ के स्थानीय विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल जी, आदरणीय जनार्दन तिवारी जी जो कि जिला अध्यक्ष हैं, मंचस्थ हमारे बहुत सारे विशिष्ट जन, बुद्धिजन और यहाँ पर गणमान्य जो प्रबुद्ध जन सामने और मंच पर उपस्थित हैं, और वे सब 22 हमारी विभूतियाँ जिन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है, और वे कलाकार और सारे ट्रूप्स और सभी आयोजक, हमारे अवनीश अवस्थी जी, यहाँ के हमारे मंडल आयुक्त, जिला अध्यक्ष, जिला अधिकारी और सभी अधिकारियों समेत में आप सबका इस महोत्सव के समापन समारोह में अभिनंदन करती हूँ, और आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। विपरीत मौसम की परिस्थितियों में भी आप लोगों ने बड़ी संख्या में, विशाल संख्या में यहाँ उपस्थित होकर, और पूर्वांचल के खासतौर से हमारे गोरखपुर में जो महोत्सव हो रहा है, यहाँ कलाकारों को और जो यहाँ कार्यक्रम आयोजन हुए हैं
उनको प्रोत्साहित किया है। गोरखपुर का अपना एक विशेष स्थान है, भौगोलिक स्थिति ले लीजिए तो ये नेपाल का द्वार माना जाता है, और अगर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो गोरखनाथ पीठ करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। और ये महायोगी गोरखनाथ जी से लेकर योगी आदित्यनाथ जी तक लगातार समाज के विभिन्न वर्गों को और पूरे जन समूहों को, जनमानस को त्याग और सन्मार्ग का को दिखा रहा है, उसके पथ पर ले जा रहा है। और राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता का ये एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, चौरी चौरा ना होता तो शायद हमारा स्वतंत्रता आंदोलन भी इतने आगे तेजी से ना पड़ता जैसे बढ़ा है। और यही वो जनपद है, यही वो जनपद है जनाब प्रसाद बिस्मिल ने भारत माता की जय करते हुए फांसी के फंदे को चूमा था। यही वो जनपद है, यही वो जनपद है जब पूर्वांचल के गांधी राघवेंद्र राव जी ने अपनी कृतियों से कृतार्थ किया था आंदोलन को। यही वो जनपद है जहां गीता प्रेस के माध्यम से विश्व का सबसे बड़ा वो प्रेस जिसने अध्यात्म को और धर्म को दुनिया में फैलाया वो स्थापित था। यही वो जनपद है जिसकी धरती को मैं प्रणाम करती हूँ, जिस धरती से मुंशी प्रेमचंद की कहानियों ने पूरे विश्व को मानवता का संदेश दिया और हमारी संस्कृति से भारत से परिचित कराया। अगर हम की चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो नाथ संप्रदाय हो, इस राष्ट्र को, इस विश्व को तो महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावित करने वाले अगर गोरखपुर में महोत्सव हुआ है तो मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने मुख्यमंत्री जी को, जिनके प्रेरणा से आज सिर्फ गोरखपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की भारत में पहचान बन रही है। कल आज और कल पर आधारित पुस्तक मंथन, उसके सभी संपादक गणों को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। प्रोफेसर राजवंत राव जी, श्री हर्ष कुमार सिन्हा जी, डॉक्टर अविनाश प्रताप सिंह जी, प्रोफेसर रविशंकर सिंह जी, प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी, डॉक्टर राजमणि शाही जी और श्री राम प्यारे मिश्रा जी, और मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगी कि कृपया इस पुस्तक मंथन का अपने कर्तव्यों से विमोचन करें। और मंथन का विमोचन साथ ही साथ आप लोगों को ये भी सूचना देना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम के तुरंत बाद भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी की भजन संध्या और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम यूं ही अनवरत चलते रहेंगे। और मंथन जो कि गोरखपुर के कल आज और कल पर आधारित पुस्तक है, आप सबसे अपेक्षा करूंगी कि जोरदार तालियों से इन सुंदर क्षणों की शोभा और बढ़ाएं, शोभा में और वृद्धि करें कृपया। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार स्माइल देने का मैं अनुरोध करूंगी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिसमें सर्वप्रथम मैं इतिहास के क्षेत्र में विशेष योगदान प्रदान करने हेतु प्रोफेसर शिवाजी, आप सभी जोरदार तालियों के जरिए इस सम्मान में आप भी भागीदारी अपनी दें। साथ ही साथ सेना के क्षेत्र में कर्नल बी शाही जी को, संस्कृत के लिए प्रोफेसर दशरथ द्विवेदी जी, आप सभी से निवेदन है कि कृपया कर्तव्य ध्वनि यूं ही बनाए रखते, ये एक ऐसा अवसर है जब हम सम्मान कर रहे हैं प्रतिभा का, मेधा का। इसके बाद पुरातत्व के क्षेत्र में श्री कृष्णानंद तिवारी जी, श्री कृष्णानंद तिवारी जी, प्रोफेसर राम
अचल सिंह जी, पूर्व कुलपति जी जो कि नहीं आ पाए हैं, श्री रविशंकर सिंह जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी प्रोफेसर राम अचल सिंह जी का सम्मान प्राप्त करने हेतु। साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रोफेसर रामदेव शुक्ल जी और सभी सम्मानित व्यक्तियों से मेरा निवेदन है कि कृपया वे मंच पर रहेंगे क्योंकि अभी एक समूह चित्र होना बाकी है। और आप इन सबका सम्मान अपनी तालियों के जरिए और बढ़ा सकते हैं। साहित्य के ही क्षेत्र में प्रोफेसर कृष्ण चंद्र लाल जी सेवा कार्य के लिए श्री प्रदीप जी चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए डॉक्टर प्रवीण चंद्र जी वाले पागल करते मैं चाहूंगी कि साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रोफेसर रामदेव शुक्ल जी और प्रोफेसर कृष्ण चंद्र लाल जी, सेवा कार्य के क्षेत्र में श्री प्रदीप जी मंदिर से ऊपर से लेके आ चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सम्मानित हो रहे हैं डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी। और चिकित्सा के ही क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए वैद्य आत्माराम दुबे जी श्री देश दीपक वर्मा जी, महासचिव राज्यसभा। प्रशासनिक अधिकारी और न्यायमूर्ति श्री देश दीपक वर्मा जी, महासचिव राज्यसभा। श्री केडी शाही जी पूरी कवि श्री रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी भाई जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। श्री रविंद्र श्रीवास्तव जी भोजपुरी कवि श्री रविंद्र श्रीवास्तव जी। गोरखपुर महोत्सव के आज के इस समारोह कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री जल संपूर्ति एवं भूमि विकास श्री उपेंद्र तिवारी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवा योजन राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल कुरी जी, मान्य सांसदगण, मान्य सांसद बांसगांव, मान्य सांसद डुमरियागंज, मान्य सांसद सलेमपुर,
माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्री बिपिन सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्रीमती संगीता यादव जी, श्री संत प्रसाद जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, गोरखपुर के मेयर श्री सीताराम जायसवाल जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वीके सिंह जी, राज्यसभा के महासचिव और गोरखपुर के ही इस माटी के ही सपूत सिद्धेश दीपक वर्मा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री श्री कामेश्वर सिंह जी, जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव जी, अन्य अन्य संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, और गोरखपुर से जुड़ी हुई जिन विभूतियों का सम्मान यहाँ पर होगा वे सभी उपस्थित महानुभाव और उपस्थित गोरखपुर के सभी नागरिक बंधुओं, भाइयों बहनों, मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व गोरखपुर का महोत्सव का एक कार्यक्रम यहाँ पर समारोह की ओर बढ़ रहा है। एक सफल आयोजन के लिए मैं महोत्सव आयोजन समिति और गोरखपुर के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि हर अच्छे कार्य में वह कोई ना कोई नुक्स लगाने का प्रयास करते हैं, और मैं देख रहा था कि गोरखपुर महोत्सव की चर्चा जब हुई इस पर भी कुछ लोगों ने उंगली उठाने का प्रयास किया था, और उस क्रम में उनके द्वारा यह प्रयास हुआ कि गोरखपुर महोत्सव को किसी अन्य जगह के महोत्सव के साथ जोड़ने का प्रयास हो। मुझे अफसोस होता है उन लोगों की कि नाम गोरखपुर महोत्सव का था लेकिन फोटो कहीं और की थी। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत प्रकार की बात कर रहे थे, लेकिन मैं इसीलिए दो दिन मौन था कि लोग देखें कि अन्यत्र महोत्सव में हुल्लड़बाजी होती है, लूटपाट होती है, मारपीट होती है और अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा होती है, लेकिन गोरखपुर में लोगों ने देखा है कि तीन दिनों तक चले इस महोत्सव में गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने जिस धैर्य के साथ, जिस अनुशासन के साथ और जिस मर्यादा और पवित्रता के साथ इस संपूर्ण आयोजन को यहाँ पर संपन्न करने में अपना योगदान दिया है, यही तो हमारी सही पहचान है और महोत्सव के पीछे का पूरा उद्देश्य इसी के साथ सामने आ जाता है। गोरखपुर महोत्सव का कार्यक्रम हो, गोरखपुर के कलाकारों के साथ पिछले 3-4 वर्षों से बातचीत चल रही थी। आयोजन होता था स्थानीय स्तर पर और शासन का आयोजन मात्र बनकर के रह जाता था। प्रशासन की सक्रियता के सिवाय स्थानीय पब्लिक की, स्थानीय नागरिकों की, स्थानीय कलाकारों की, लोक परंपराओं की, यहाँ के किसी भी विधा से जुड़े हुए उन विभूतियों का कोई योगदान उसके साथ नहीं हो पाता था। एक वर्ष पहले मकर संक्रांति के पर्व के एक दिन पहले ही गोरखनाथ मंदिर में एक सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम दूरदर्शन के द्वारा आयोजित होता था, तो उस समय यहाँ के कलाकारों के साथ यही बातचीत चल रही थी कि इस महोत्सव के रूप में गोरखपुर महोत्सव के साथ ये सब जुड़ना चाहिए, और उसका एक प्रयास महोत्सव आयोजन समिति ने यहाँ पर किया है कि सभी जनप्रतिनिधियों को महोत्सव के साथ जोड़ने का पहली बार प्रयास हुआ।
भोजपुरी के सभी कलाकारों को एक साथ जोड़ने का कार्यक्रम इसके साथ जुड़ा, इसके साथ प्रयास हुआ। शिक्षण संस्थाओं को इसके साथ जोड़ने का प्रयास हुआ और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिन लोगों ने योगदान दिया है, यहाँ का उद्योगपति है, यहाँ का व्यापारी है, यहाँ का शिक्षक है, यहाँ का चिकित्सक है, यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली उन सभी विभूतियों को कहीं ना कहीं इस संपूर्ण आयोजन के साथ जोड़ने का जो एक अद्भुत प्रयास इस बार हुआ है, मुझे लगता है गोरखपुर महोत्सव को इसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। ये महोत्सव केवल नाच गाने का आयोजन मात्र नहीं, ये अपनी प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करने का एक अवसर है, अपने लोगों को और अपनी उपलब्धियों को समाज के सामने रखने का एक अवसर भी है। और उस अवसर का लाभ यहाँ के आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने पर्यटन विभाग के साथ मिलकर के बखूबी निभाया है, मैं इसके लिए उन्हें हृदय से साधुवाद देता हूँ। भाइयों बहनों, मैं जब यहाँ पर आ रहा था कार्यक्रम के पहले, तो स्वाभाविक रूप से कुछ क्षेत्रों का मुझे दौरा भी करना था। जब मैं आया यहाँ पे आना था तो इस अवसर पर क्या क्या कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे, क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, तो हम लोग रामगढ़ ताल के किनारे गए थे। रामगढ़ ताल के किनारे जाने का मेरा उद्देश्य ही था कि रामगढ़ ताल पर्यटन विकास के मानचित्र पर, एक अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उभर करके सामने आ सके। इस दिशा 2010 से चल रही नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान की उस योजना को कैसे हम समयबद्ध ढंग से पूरा कर सके, इस दिशा में वहां जाने का मेरा कार्यक्रम था। तो मैं वहां देख रहा था कि पैरामोटर ग्लाइडिंग का वहां पर बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा था, और मुझे लगता है कि आप जितने भी यहां पर होंगे, आप सबकी इच्छा भी होगी कि होना चाहिए इस प्रकार के कार्यक्रम गोरखपुर में भी। आखिर गोरखपुर किसी से पीछे क्यों रहेगा, उसको भी तो आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के हर जनपद को, हर जगह को, हर गांव को, हर कस्बे को आगे बढ़ने का अधिकार है, और मुझे लगता है कि उसी श्रृंखला में गोरखपुर को भी आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है, और गोरखपुर का अधिकार गोरखपुर के नागरिकों को, गोरखपुर के लोगों को मिलना ही चाहिए। तो मैं वहां जाके देख रहा था, बड़ी मात्रा में लोग थे, बड़ा अच्छा कार्यक्रम वहां पर चल रहा था। हम लोग रामगढ़ ताल परियोजना के किनारे भी गए, बहुत लेट योजना हो चुकी थी, 2010 में हम लोगों ने भारत सरकार से योजना स्वीकृत कराई थी, राजनीति का शिकार हो गई, पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि रामगढ़ ताल एक बार पुनः अपने गोरखपुर के नागरिकों की भावनाओं के अनुरूप पर्यटन के मानचित्र पर उभर करके सामने आए, और साथ ही साथ वहां पर वाटर स्पोर्ट्स का एक बेहतर कॉम्प्लेक्स भी बने, जिससे यहाँ पर यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ की प्रतिभा को आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त हो सके। ये सारे कार्यक्रम देखने के बाद फिर मैं आपके बीच में यहाँ पर मंच पर उपस्थित हुआ हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि इस अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम महोत्सव आयोजन समिति ने किए थे। मुझे लगता है कि आयोजन स्थानीय लोगों ने, यहाँ के उद्योगपतियों ने, यहाँ के व्यापारियों ने, गोरखपुर की जनता ने, गोरखपुर के कलाकारों ने, गोरखपुर के विद्यार्थियों ने, गोरखपुर के शिक्षकों ने, और गोरखपुर के हर तबके से जुड़े हुए नागरिकों ने मिलकर के यहाँ पर संपन्न किया है। जिन लोगों को ये गलतफहमी होगी कि प्रदेश के सरकार का खजाना हमने खोला है, मुझे लगता है वे किसी गलतफहमी के शिकार है। पैसा हम लोगों ने प्रदेश सरकार से उतना नहीं दिया है जितना लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो वैसे भी वित्तीय अनुशासन के पक्षधर हैं, और एक एक पैसा खर्च करते हैं तो सोचते हैं कि प्रदेश के विकास में इसका क्या योगदान होगा, लेकिन ये महोत्सव प्रदेश के विकास में बड़ा योगदान दे सकता है और देगा भी। और इस विकास को देखते हुए, आगे बढ़ते हुए कितना बेहतरीन कार्य हो सकता है, गोरखपुर के अंदर क्या क्या नहीं है,
यहां पर लगी हुई जो एग्जीबिशन है इसके माध्यम से हम इसको देख सकते हैं कि गोरखपुर के ही लोगों ने, गोरखपुर के ही उद्यमियों ने, गोरखपुर के ही कलाकारों ने कैसे अपने अपने स्टॉल सजा करके गोरखपुर को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। एक बेहतरीन प्रयास है और महोत्सव के पीछे का उद्देश्य भी यही है। मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूं, इससे पहले कपिलवत्स महोत्सव में भी मैं गया था। कपिलवत्स महोत्सव 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच संपन्न हुआ और कितना बेहतरीन कार्यक्रम वहां प्रस्तुत किया था। एक सप्ताह का कार्यक्रम था, तब भी लोगों ने उंगली उठाने का प्रयास किया था कि सरकार महोत्सव क्यों करा रही है। नहीं, मैंने कहा भी नहीं, महोत्सव का ठेका तो केवल जो है उत्तर प्रदेश के एक गांव ने ले रखा था, बाकी कोई और नहीं करा सकता, क्योंकि महोत्सव उनके नाम पे पेटेंट है, बाकी हम लोग महोत्सव नहीं करा सकते। हम लोग अपनी विरासत के बारे में, अपनी परंपरा के बारे में, अपने कलाकारों के बारे में, अपनी प्रतिभा को हम मंच न दें, लोगों को इसमें भी बुरा लगता है। और ये पहली बार नहीं हुआ। आपको याद होगा जब मैं दीपावली मनाने के लिए अयोध्या गया था तब भी लोगों ने विरोध किया था, कहा कि नहीं पता नहीं कितना पैसा खर्च हो रहा है। मैंने कहा तुम एक जितना सिपाही महोत्सव में पैसा खर्च करते थे, प्रदेश की सरकार का खजाना उड़ेल देते थे, उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे 75 जनपदों के सभी महोत्सव में उतना पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन उससे लाख गुना अच्छा होगा, क्योंकि जन सहभागिता है, जन सरोकार है, जनता की सहभागिता है। और जनता की सहभागिता के साथ साथ यहां पर जनता को मिलना एक मंच है। ये परिवार का आयोजन नहीं है, ये जनता का आयोजन है। और इसीलिए कपिलवत्स महोत्सव के अवसर पर हम लोगों ने आयोजन किया था भगवान बुद्ध को सामने रख करके उस आयोजन को उस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था। पूरी दुनिया के अंदर आप जाइए, भगवान बुद्ध किस रूप में करुणा, मैत्री और शांति का एक नया संदेश देते हुए लोगों को परस्पर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पूरी दुनिया उनके प्रति लालायित है और वही स्थिति गोरखपुर से जब आगे बढ़ते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में महायोगी भगवान गोरखनाथ जी का योगदान और फिर ये महोत्सव, मैं मानता हूं महोत्सव समिति ने किया है, लेकिन क्या खिचड़ी का जो मेला यहां लगता है क्या वो किसी सरकार की देन है क्या? कल और परसों और एक महीने तक चलने वाला गोरखनाथ मंदिर का खिचड़ी मेला वो किसी सरकार का देन नहीं, वो हमारे पूर्वजों की विरासत है, एक धरोहर है, और उस धरोहर को संरक्षित करना, उसको प्रोत्साहित करना, उसको आगे बढ़ाना हम सबका दायित्व है। सब लोग जाते हैं, उसके लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहां पर इतनी बड़ी संख्या है, क्या सब लोगों को निमंत्रण दिया गया? क्या नहीं, क्योंकि उनका स्वयं का उत्सव है, इसलिए सभी लोग यहां पर इस उत्सव में सहभागी बनने के लिए आए हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि यह किसी परिवार का उत्सव नहीं जो इससे पहले बनकर के रह जाता था, यह समाज का महोत्सव है, जनता का महोत्सव है, प्रदेशवासियों का महोत्सव है, पूर्वांचल वासियों का महोत्सव है और गोरखपुर वासियों का महोत्सव है। इसलिए गोरखपुर की हर क्षेत्र की विभूतियां, हर क्षेत्र के नागरिक, हर क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, जो लोग भगवान गोरखनाथ जी पर, भगवान बुद्ध पर, भगवान भारत की ऋषि परंपरा पर, भारत की महापुरुषों की परंपरा पर, क्रांतिकारियों की परंपरा पर जिन्हें गौरव की अनुभूति होती है, वे सभी लोग इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर के इन महोत्सवों को प्रोत्साहित करते हैं, यहां पर आकर के उसको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। और मुझे इसलिए प्रसन्नता है कि इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम यहां पर आयोजित हुए हैं। मुझे बताया गया कि जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम, 50,000 से अधिक संख्या में छात्र छात्राओं की सहभागिता, कल मुझे बताया गया कि 5,000 बच्चों ने योग के महोत्सव में सहभागी बनकर के बड़ा अच्छा कार्यक्रम गोरखपुर में प्रस्तुत किया है। मैं उस कार्यक्रम में सहभागी नहीं बन पाया था क्योंकि मेरे कार्यक्रम बाहर लगे हुए थे, लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रम को एक मंच मिलना चाहिए और मंच अवश्य हमारी सरकार देगी, हर जगह देगी। अभी तो यहां पर हम लोग हैं, लोगों को तब भी बुरा लगेगा जब हम लोग बरसाना में होली मनाने के लिए जाएंगे। लोगों को तब भी परेशानी होगी
जमलोक ममलोक निषाद राज गोहिया की राजधानी श्रृंगवेरपुर के एक भव्य आयोजन में सहभागी बनने के लिए जाएंगे और लोगों को तब भी बुरा लगेगा जब हम लोग चित्रकूट में श्री राम नाम संकीर्तन के उस कार्यक्रम को और तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए वहां जाएंगे तो लोगों को तब भी बुरा लगेगा। ये दृष्टि का अंतर है, ये दृष्टि दोष है, इस दृष्टि दोष को दूर नहीं किया जा सकता है। भाइयों बहनों, इस दृष्टि दोष को जनता समय आने पर जवाब देती है और मैं आप सबको इस अवसर पर बधाई दूंगा। मकर संक्रांति की आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि महोत्सव की इस परंपरा को, इस सात्विक परंपरा को, इस सुदृढ़ परंपरा को, इस समृद्ध परंपरा को आप सभी लोग इसी प्रकार से प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ाएंगे और विकास की योजनाओं को, शासन की योजनाओं को प्रशासन तक के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने में आप सभी लोग इसी प्रकार से अपना योगदान देते रहेंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार पुनः आयोजन समिति के सभी पदाधिकारियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने संपूर्ण आयोजन में भागीदारी अपनी की है उन सबको मैं अपनी ओर से हृदय से बधाई देता हूं एक सफल आयोजन के लिए। और आज कार्यक्रम यहां पर चल रहा है, समारोह कार्यक्रम है, इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। कल मुझे यहां पर भोजपुरी से जुड़ा हुआ जो कार्यक्रम था उसमें भी भागीदार मुझे बनना था लेकिन मेरे कुछ अन्य कार्यक्रम लग गए थे, मैं आ नहीं पाया था। भोजपुरी की हमारी जो महान एक गायिका थी श्रीमती मैनावती देवी जी, मैंने खासतौर पर महोत्सव समिति से इस बारे में आग्रह किया था कि भोजपुरी से जुड़ा हुआ जो कार्यक्रम हो श्रीमती मैनावती देवी जी को समर्पित होकर के वो कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए और सचमुच आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन उन्होंने भोजपुरी को एक ऊंचाई दी थी उन स्थितियों में दी थी जब दूरदर्शन नहीं था, जब टेलीविजन नहीं था, जब आकाशवाणी थी, उन विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने भोजपुरी को जो एक नई ऊंचाइयां दी थी, भोजपुरी की सुविधा को आगे बढ़ाने का कार्य किया था वह अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है और मैं इसलिए आज के इस अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। इस आयोजन के साथ बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया होगा जिनके नाम अक्सर हो जाता है कि नींव के पत्थर देखे नहीं जा सकते लेकिन नींव का पत्थर बनकर के उन्होंने इस आयोजन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। इसलिए मैं उन सभी को जो आयोजन समिति के पदाधिकारी हैं, इसके सदस्य हैं या बाहर से रह करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, इस संपूर्ण महोत्सव को सफल बनाने में जिन्होंने भी योगदान दिया है उन सबको मैं इस अवसर पर एक बार पुनः हृदय से एक सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं। मकर संक्रांति की आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब भगवान गोरक्षनाथ जी के आशीर्वाद से इसी प्रकार से गोरखपुर को कुछ नई नए चीजों को देते हुए गोरखपुर के विकास में आप सभी अपना योगदान देंगे, पूर्वांचल के विकास में आप सभी अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। छिहत्तर सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
मकर संक्रांति पर्व पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर देशवासियों को अपनी शुभकामना देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म में त्योहारों का विशेष महत्व है। गोरखनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा की पूरी व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये हमारे देश का एक प्रमुख महापर्व है। मुख्य रूप से भगवान सूर्य की उपासना से जुड़ा हुआ यह पर्व पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी के नाम पर, दक्षिण भारत में पोंगल के नाम पर, असम में बिहू के नाम पर, महाराष्ट्र और बंगाल में तिलवा संक्रांति के रूप में, और उत्तर भारत में हम लोग से मुख्य रूप से खिचड़ी संक्रांति के रूप में मनाते हैं। मकर संक्रांति का यह महापर्व अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण है और खासतौर पर सूर्य उपासना से जुड़ा हुआ यह पर्व भगवान सूर्य की धनु राशि से मकर राशि में जाने और दक्षिणायन से उत्तरायण में आने पर इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि हर प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्यों के लिए प्रशस्त तिथि प्रारंभ होती है मकर संक्रांति से। उत्तर भारत में इस अवसर पर प्रयागराज में गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन जाते हैं। गोरखपुर से ही इस पर्व का विशेष महत्व है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार और देश के विभिन्न भागों के साथ साथ नेपाल से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस अवसर पर भगवान गोरखनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। स्वाभाविक रूप से हजारों वर्षों की पवित्र परंपरा एक नई दिशा देने के लिए एक अवसर होता है कि जब हम इस अवसर पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अपने नगर को, अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध बना सकें, कि हम अपनी भारतीय संस्कृति के अंदर अधिक भारत की परंपरा का अनुसरण कर सकें। और मुझे लगता है कि एक अवसर है गोरखपुर वासियों के लिए, तो मकर संक्रांति के अवसर पर देश से भी और दुनिया से भी आने वाले उन श्रद्धालुओं की स्वागत के लिए, उनकी सेवा के लिए हम सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को मनाएं। हमारी सरकार ने भी और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर के पूरी व्यवस्थाएं की हैं। गोरखनाथ मंदिर शासन प्रशासन सभी ने तैयारी की है कि इस अवसर पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, उनकी सुरक्षा और उनकी सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। मुझे विश्वास हुआ सभी कार्यक्रम को संपन्न के लिए देशवासियों को भ्रष्टाचार वहां पर है, किसान आत्महत्या कर रहा है, ये सब परिस्थितियां ऐसी हैं वहां पर कि जनता में भारी आक्रोश है कांग्रेस सरकार के खिलाफ। मुझे विश्वास है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दक्षिण भारत के संपूर्ण दुर्ग को ही भारत की जीवन पद्धति विश्वास रखने वाला, भारत की परंपरा में
हर व्यक्ति अपने आप को जीवन को खुशी के नजर चाहता है। कांग्रेस की विभाजनकारी हनुमानी को तो कभी भी यह देश और कर्नाटक की जनता सफल नहीं होने देगी। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ताल स्थित लेकव्यू और नौकायन केंद्र का शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रदेश सरकार की मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, सांसद जगदम्बिका पाल, जल निगम के अधिकारियों सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निर्माणाधीन कार्यों को तत्काल पूरा किया जाए। लेकव्यू के पास ताल के किनारे बोल्डर लगाई जाए, लाइटिंग की उचित व्यवस्था किया जाए। योगी ने नौकायन केंद्र और लेकव्यू पर आने वाले पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया। भाई थोड़ा थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। जो इसके ऊपर तीन तीन लाइट रहेगी हर खंबे में, लाइट की सर उसको पूरा घंटे को देंगे अपोजिट है। अरे क्या हो रहा है, यहाँ भी लाइट है। भैया मोबाइल जरा पीछे आ जाओ, भाई पीछे आ जाओ। लगभग 80-90 अच्छा है, टायर से तो अच्छा है ये। मैम आप आइए एक मिनट, पीछे भीड़ नहीं लगा, भीड़ भैया हमने भैया अरे भैया पीछे सतने नहीं अच्छा बनेगा, आराम से पीछे मैडम जी अरे यार अभिनव भैया सही जगह आए हैं, पहले ये आए अभिनव भैया संगम भैया भैया
दो सवाल नहीं आप करना चाहें वो कल से पहले का फाइट हो गया था ये था सीधा मंच पे। हां सब आएंगे कब से किनारे किनारे बोर्डर से पिचिंग करवाना इसका ही बनाना चाहिए नहीं तो जब भी पानी की झोंक आएंगी तो सब कट जाएगा सड़क कट जाएगा। वही कह रहा हूँ ना कि बोल्डर से जब पिचिंग हो जाएगी एक वो दे देंगे आप उसको वो अपने आप वो ठीक हो जाएगा। सर पैडले गंज से ये नया सवेरा के एंट्री पॉइंट तक ये पीओडी के सीमेंट में बोल्डर पिचिंग का प्रावधान करवाए ना उसको दे दीजिए ठीक है ना उसको दे देंगे तो बच जाएगा। जी सर और दूसरा ये है कि ये फुटपाथ वे की कितनी प्रोग्रेस हुई है जो नहीं एनएलसीपी के अंतर्गत जो ये जो है इसमें फुटपाथ पे बनना था इसकी प्रोग्रेस क्या है कौन देख रहा है इसको? एनएलसीपी में जो है ये जो पहले गंज से जो है आरपीबी के तक जो है इसका प्राविधान नहीं था। इसका प्राविधान सर तो जो है जो सारा खेत से लेकर के बुढ़िया नाले के पुलिया तक तो उसका सर जो है बंधा बना हुआ है सर उसको इंटरलॉकिंग रोड लग रही है सर लग रही है सर ठीक है। ये दोनों जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कब तक काम करने लग जाएंगे? ये सब फंक्शनल है सर 2015 से सर चालू काम कर रहे हैं बिल्कुल सेफ हो गए सभी नाले सर। सर जो इसमें रामगढ़ ताल में जो 6 नाले गए थे वो उस पे टेप हो गए हाँ जो हमारे इसको चेक करवा लें आप क्योंकि वहाँ से अभी एक दो जगह से गंदगी आ रही है ताल में। नहीं इसमें ऐसा था साहब की प्रॉपरली एक रिपोर्ट बनवा दीजिए क्योंकि फिर हमारे पास कागज में रहेगा तो उसका फायदा होगा। ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए एक दूसरा ये है कि इस पूरे उसका हम लोग एक साथ फिर उद्घाटन भी करेंगे कब तक आप इसको कंप्लीट कर देंगे ये लोग कब तक कंप्लीट कर देंगे इसको? सर ये वाला जो प्रोजेक्ट है नया सेवर है तो ये तो हमारा तैयार है सर। हाँ जो आप बोल्डर कह रहे हैं तो बोल्डर की पिचिंग ये तो फुटपाथ वे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सभी नालों को टेप करके एसटीपी तक पहुँचाना लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था होना और वाटर स्पोर्ट्स का व्यवस्था क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स से यहाँ पे बहुत एक नया बूम देगा। होते रहिए चला भाई चल सारे परों में काम से फेंक गोरखपुर महोत्सव में पर्यटन विभाग लखनऊ के सौजन्य से तारामंडल स्थित चंपा देवी पार्क में संचालित पैरा मोटरिंग ग्लाइडिंग को शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री रीता बहुगुणा जोशी सांसद जगदम्बिका पाल कमिश्नर अनिल कुमार डीआईजी नीलाब्जा चौधरी पर्यटन विभाग लखनऊ के वरिष्ठ प्रबंधक अक्षय नागर नीरज सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर महोत्सव को यादगार बनाने के लिए आयोजकों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। गोरखपुर में पहली बार पैरा मोटर ग्लाइडिंग का आयोजन किया गया है जिसमें गोरखपुर वासी जमकर लुफ्त उठा रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने पैरा मोटर ग्लाइडिंग कर रहे लोगों से मुलाकात की तथा उनसे इस संबंध में बात की कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चंपा देवी पार्क का सुंदरीकरण किया जाए तथा इस तरह के कार्यक्रमों को यहीं से संचालित किया जाएगा जिससे लोगों को मनोरंजन के साधन उपलब्ध हो सकें। गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत गोरखपुर समिति महोत्सव समिति और उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा
साहसिक मीडिया को प्रोत्साहन के लिए सर वहाँ पर टूरिस्ट हैं, फ्लैग ऑफ किया जा सकता है। बनना है तो साधु बनना चाहता है क्यों? साधु बनना कहा तो बेहद तैयारी करें। पीछे पे जाओ, उधर मत देखो, उड़ रहे हैं और इनके साथ किसी को भी बोल रहे हैं क्या? भाई भाई थोड़ा पीछे हो जाएगा, देख ले पीछे, ये इसके साथ बहुत पीछे से परेशान कर रहे थे। ठीक है ठीक है ठीक है, संतुष्ट हो गया माता पिता। हां सही क्यों क्यों घबरा तो नहीं रहे हो हैं? क्यों भाई तुम भी कम उड़ोगे? लगवाया था। एक 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 ही जाएगा, एक एक जाएंगे, एक बार में एक। चलो जी बड़े यू महाराजी, इधर आओ, चल इधर आओ, तो इसको भी उड़वा देना। बिल्कुल सर, बड़े थोड़ा सा आगे थे, मुझे जाती थोड़ा सा बस हां अपने आप चलेगा क्या? सर चले उसके साइड भी कहानी ले के नहीं ना आगे अरे धीरे से घूमने के लिए ही आएगा ना। पांडे 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 अभी बता रहे हैं। गोरखपुर के लोगों को एक अलग अनुभव दिया आपने। चलिए अपने ग्रुप के साथ फोटो चाह रहे हैं, बराबर करवा करेंगे, थोड़ा ठीक हो जाएगा, भयंकर काल का पूरा हो जाए। उसमें हम वाटर स्पोर्ट्स का एक वो देने जा रहे हैं वहाँ पे, उसके बाद इसको भी प्रारंभ करवाएंगे। इसीलिए इस फील्ड को हम लोगों ने रिजर्व रखा है, पहली बार अच्छा होगा। उसको स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स का दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत योग्यताधारी शिक्षणेतर कर्मचारियों को एलटी संवर्ण के सहायक अध्यापक के पद पर पदोन्नति करके रिक्त पदों को भरे जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर एसोसिएशन के सदस्यों ने शनिवार को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बाद एसोसिएशन के सदस्य जुलूस निकालकर गोरखनाथ मंदिर पहुंचने वाले थे, लेकिन जुलूस की सूचना पर एसडीएम दिनेश डीआईजीओएस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसोसिएशन के सदस्यों को समझा बुझाकर उन्हें जुलूस ना निकालने का निवेदन किया। एसडीएम के निवेदन को स्वीकार करते हुए एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी मांग संबंधित ज्ञापन एसडीएम को सौंप कर आंदोलन को समाप्त किया। इस अवसर पर एसोसिएशन के दिवाकर द्विवेदी, विपिन बिहारी मल, आशुतोष तिवारी, महेंद्र प्रताप सिंह सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आशुतोष तिवारी ने कहा, हमारी मांगे पूरी हो, दो पदोन्नत हो, शिक्षक पद पर पदोन्नत हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो।
पूरी हो, चाहे वो मजबूरी हो, शिक्षक पर इसका अभिनंदन करते हम उनको दिया ज्ञापन नहीं ले लेंगे सर। हाँ ज्ञापन ही लेने आया हूँ, स्पेशली भेजा गया। हम लोग ही मिलने का प्रयास किया से लखनऊ तक। सर हम लोग पदयात्रा लेके लखनऊ तक गए, तब तो शायद मुलाकात हुई थी आप लोग। नहीं नहीं हो पाई, उस समय सरकारी सरकार थी, उस समय मुलाकात नहीं हो पाई। आप लोग हमारा एक रिक्वेस्ट है, हमारा एक रिक्वेस्ट है, हमको अगर वहाँ तक नहीं जाने देंगे तो हमको नगर निगम तक ले जाने दीजिए। नहीं कोई मतलब, हम कह रहे हैं ना, मैं आश्वासन देने इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ और हमसे कहा गया है आप उनकी जो बातें हैं ले आइए और इस पर विचार किया जाएगा। फिर अगर ऐसा ना होगा तो फिर जो आप लोग कहेंगे फिर आप लोग वहाँ जाइएगा। तो अभी अभी तो ये पहली बार है ना, तो आप अपना क्या पहली बार नहीं, पहली बार नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं मिलने का जो प्रयास है ये अभी तो भाई एक बार आप गवर्नमेंट क्या था क्या कैसा था। नहीं नहीं वो सब बात हमको करनी भी नहीं है। देखिए एक आस है कि हमारे शहर के मुख्यमंत्री हैं एकदम, और उम्मीद है पिछले साल हम लोग पिछले सरकार में यहाँ से लखनऊ तक पैदल गए और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, तो अब की एक विश्वास है कि हम लोग उनसे मिल लेंगे। हमारी बात अगर उनसे बैनर लगा लीजिए पीछे तभी तो फोटो में आए। बैनर बैनर ठीक लगाइए, बैनर ठीक लगाइए, हम दोनों लोग लेके खड़े हो जाइए। आप लोग सरकार पर जो लोग कर रहे हैं और के बाद पीछे लेके खड़ा हो जाइए, थोड़ा उठा लीजिए ऐसा उठा लीजिए। नगर निगम तक अनुमति है सर? नहीं अभी कोई अनुमति नहीं है, आप लोग खुद यहाँ के हैं फैला दीजिए। जी बिल्कुल, गोरखपुर महोत्सव और इतने भी आईपी आए हैं तो इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो आप लोगों की बात अभी पहुँचा दिया जाएगा और फिर अभी समय मिलेगा आपको जब ऐसा मौसम देखिएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और कोई और कार्य नहीं होगा तो आप लोग फिर अगर सुन लीजिए हमारी बात, आप सुन लीजिए। हाँ, बिल्कुल, अगर कोई इस आपके ज्ञापन पर कार्रवाई ना होगी तो फिर रास्ता खुला है, तब फिर आप अपना जाइएगा डायरेक्ट मिल लीजिए। तो ठीक है सर, वही बात कर रहे हैं, बस एक एक रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट हम लोगों की मानिए सर, क्योंकि लोग आए हैं किसी से हम तो बस यहाँ लालाकुल हम क्या है यार, हम कोई अनुमति नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमारे अथॉरिटी में ही नहीं है अनुमति देना। हमसे ये कहा गया है कि आप लोग डी आई ओ साहब से जाके उनकी क्या मांग है, जो भी जायज और मतलब अकॉर्डिंग टू प्रोसेस मांग होगी सब मानी जाएगी। चलिए अच्छा, तो हमारे एक राष्ट्रगान का कार्यक्रम है सर, हम तो कर लेंगे उसके बाद हम लोग भी राष्ट्रगान में खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल खड़े हो जाइए। हाँ जैसे लाइन आप लोग फोटो ले लिए ना। हमारी मांग थी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की शिक्षक पद पर पदोन्नति का शासनादेश निर्गत कराने के लिए मांग माननीय मुख्यमंत्री जी को से मिलकर ज्ञापन सौंपना था, लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में डीएम साहब आए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने मुझे प्रतिनिधि के तौर पर भेजा है और जो है आपकी जो भी मांगे हैं चाहत उस पर विचार होगा और मान्य इस पर काम भी हो रहा है। उन्होंने बताया कि चर्चा में भी है और यह भीड़ है महोत्सव है, इसके नाते जो है थोड़ी सी व्यस्तता होने के नाते और नहीं मिल नहीं तो ज़रूर मिलते और आगे का उन्होंने यह भी बताया कि आपको ज़रूर उनसे मिलवाने का काम किया जाएगा। और हमारी मांग हमें लगा, प्रशासन का भी सहयोग हमको लगा, उनके सहयोग से हमको यह विश्वास हुआ कि हमारी मांग उन तक पहुँच गई है और हमारी मांगें जरूर पूरी होगी। हमारा यह नारा है कि हमको ये विश्वास है हमारी मांग पूरी होगी, हमारे शहर के मुख्यमंत्री हैं, आस है विश्वास है हमारी यह मांग अब की बाँव नहीं जाएगी माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपने मुख्यमंत्रित्व काल में और जल्दी ही इसी सत्र में हमारी यह मांग शिक्षक पद पर पदोन्नति की मांग पूरी करेंगे। गोरखपुर महोत्सव के अंतिम दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन अलग अलग प्रतिभागियों द्वारा किया गया जिसमें मुख्य रूप से एकल नृत्य और अलग अलग प्रतिभाओं का मंचन किया गया। बांसुरी के साथ मुंह से ड्रम बीट की ध्वनि निकालने वाले युवक की प्रस्तुति देखकर सब आनंदित और आश्चर्यचकित हो गए।
कला है, बांसुरी बजा रहा है, मुंह से इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस प्रतिभाओं के लिए।
रखना टोली सजा के रखना मन दिल लगा के रखना टोली सजा के रखना लेने तुझे गोली आएंगे तेरे सजना। गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत गोरखपुर में पहली बार डॉग शो का आयोजन किया गया जिसमें महानगर के सभी नस्लों के डॉग शामिल किए गए। एक ही जगह पर इतने सारे अलग अलग नस्लों के डॉग को देखकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। जाते जाते एक नज़र हेडलाइन पर। गोरखपुर महोत्सव के सफल आयोजन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वासियों का जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति पर्व पर प्रदेश देशवासियों को दी शुभकामनाएं। लोकायन और लेक व्यू का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर महोत्सव में पर्यटन विभाग लखनऊ से संचालित पैरा मोटर ग्लाइडिंग को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। विभिन्न मांग को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर एसोसिएशन के सदस्यों ने किया विरोध प्रदर्शन, एसडीएम के समझाने पर रैली को किया कैंसिल। गोरखपुर महोत्सव के आखिरी दिन भी सजा रहा स्टेज, हुए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम। और गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत आयोजित हुआ डॉग शो। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।